अब कंप्लीट बात कर लेते हैं ऑल अबाउट G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 के बारे में। याद रखिएगा ये मेजर इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। ये जो मेजर इकोनॉमीज पूरे विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक ग्रुप है जिसमें 19 देश हैं और एक पूरा का पूरा ईयू है। ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन। देखिएगा यहां पर फॉर्मेशन कब हुआ था इस ग्रुप का, 26 सितंबर 1999 को, 26 सितंबर 1999 में यह क्या है ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, स्थापित हुई थी। मेंबरशिप वर्तमान में 20 मेंबरशिप है। देन गेस्ट इनवाइटीज, गेस्ट इनवाइटीज का मतलब यह है जब इनको इनवाइट किया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो स्पेन, द यूनाइटेड नेशंस, द वर्ल्ड बैंक, द अफ्रीकन यूनियन एंड द आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये हैं गेस्ट इनवाइटीज राइट नाउ किसके, G20s के। G20 के इस समय चेयरमैन, याद रखिएगा दो बातें रिलेटेड टू G20, एक तो हेडक्वार्टर और एक उसके चेयरमैन प्रत्येक वर्ष बदलते हैं। जिस देश में इसकी सबमिट होती है उस देश का जो हेड होता है वो इसका चेयरमैन होता है, जो होस्ट कर रहा होता है पूरी सबमिट को वो इसका हेड होता है, और याद रखिएगा जिस देश में सबमिट हो रही होती है वो हेडक्वार्टर होता है। तो इस समय हेडक्वार्टर की बात करें तो इंडिया, इसका मुख्यालय वर्तमान में कहां है, इंडिया, एक साल के लिए। हर साल ये प्रेसिडेंसी बदल जाती है प्रत्येक वर्ष, तो एक साल के लिए किसको मिली, भारत को मिली। तो याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहां पर, भारत में। देन अध्यक्ष कौन इस समय, नरेंद्र मोदी जी, कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं यहां पर, देखिएगा। देन द G20 और ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम कंप्राइजिंग 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन, जो मैंने आपको बताया। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या होता है, बहुत सारी सरकारों का एक ग्रुप, ठीक है, बहुत सारी सरकार, सरकार जैसे भारत सरकार हो गया, ठीक है, ब्राजील गवर्नमेंट हो गई, इंडोनेशिया गवर्नमेंट हो गई, तो ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए ये ग्रुप जो फॉर्म किया गया था एट दैट टाइम, इसका एक ही उद्देश्य था कि ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसी को पटरी पर लाना है और हम सब मिलकर के डिस्कशन करेंगे कि इकोनॉमी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और बेसिकली ये ग्रुप सेंट्रल बैंक गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर का एक ग्रुप हुआ करता था, लेकिन आफ्टर 2008 यहां पर हेड ऑफ लीडर्स या हेड ऑफ द स्टेट्स जो हैं, लीडर समिट भी होने लगी। वरना सिर्फ कौन जाता था, यहां के गवर्नर जाते थे यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, और जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री। अभी इन्हीं की मीटिंग हुई है, अभी 24-25 फरवरी को यह समिट भी ऑर्गेनाइज हुई है। कहां पर ऑर्गेनाइज हुई है, बेसिकली बैंगलोर में G20 की फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग आयोजित की गई है। तो पहले इन्हीं का ग्रुप था लेकिन बाद में यह लीडर समिट बन गई, लीडर्स भी पार्टिसिपेट करने लगे। समिट का क्राइटेरिया क्या होता है समझ लीजिएगा, जैसे भारत में इस वर्ष समिट हो रही है तो इसका क्राइटेरिया क्या है, अगले वर्ष समिट कहां पर होगी। तो बेसिकली समिट के लिए क्या किए गए हैं, पांच ग्रुप्स बनाए गए हैं और इन पांच ग्रुप्स में 19 कंट्रीज को डिवाइड किया गया है। इन पांचों के पांचों ग्रुप्स में 19 कंट्रीज को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और उसके बाद हर एक ग्रुप के पास प्रेसिडेंसी जाती है, उस ग्रुप में फिर किस देश को मिलेगी ये बाद में तय किया जाता है। तो पहले ग्रुप वाइज, मतलब पहले किसी ग्रुप वन में होगी, फिर ग्रुप टू में होगी, फिर ग्रुप थ्री के किसी कंट्री में होगी, फिर ग्रुप फोर के किसी कंट्री में होगी, फिर ग्रुप फाइव की किसी कंट्री में होगी। तो देख लीजिएगा, ईच ईयर अ डिफरेंट G20 मेंबर कंट्री अज्यूम्स द प्रेसिडेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर अंटिल 30th नवंबर। जो प्रेसिडेंसी यानी कि जो अध्यक्षता है उसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है, जो 1 दिसंबर से शुरू होता है और 30 नवंबर पे खत्म होता है, यानी कि हर साल 1 दिसंबर को नया अध्यक्ष G20 का चुना जाता है। अब ग्रुप्स यहां पर, मतलब इन ग्रुप से यह भी याद रख लीजिएगा, ये सारे के सारे 19 मेंबर्स हैं प्लस वन ईयू यूरोपियन यूनियन जोड़ लोगे तो 20 हो जाएंगे। तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सऊदी अरबिया है, यूएस है, ये है ग्रुप वन में। ग्रुप टू में है इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की। देन ग्रुप थ्री में है अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको। ग्रुप फोर में है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम। ग्रुप फाइव में है चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया। तो अब ग्रुप थ्री को, ठीक है, अभी यह क्या है ग्रुप टू में प्रेसिडेंसी किसको मिली, भारत को मिली 2023 में।
अब अगली जो सबमिट होगी वो कहां पर, ग्रुप थ्री के पास जाएगी। तो ग्रुप थ्री में आप देख रहे हैं ना, तीन कंट्री हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको। अगेन मैक्सिको 2012 में कर चुका है और अर्जेंटीना 2018 में कर चुका है, तो अब किसके पास चली गई, ब्राजील के पास। तो दैट्स वाई ब्राजील 2024 में ऑर्गेनाइज कर रहा है, यहां पर ईयर भी लिखा हुआ है। अब इसके बाद फिर ग्रुप फोर को मिलेगी, फिर ग्रुप फाइव को मिलेगी, ध्यान रखिएगा यहां पर, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम इनका डिसाइड होता है, ये चीज देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी यहां तक डिसाइड है, अभी ग्रुप फोर ग्रुप फाइव डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ G20। तो ये जो 20, ठीक है, 19+1 EU, इनकी अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखिएगा द G20 इज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, आर्थिक सहयोग का सबसे बड़ा फोरम है ये, ठीक है। अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जो वैश्विक उत्पाद है ना, ठीक है, ग्लोबल GDP, GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, तो ग्लोबल GDP 85% कवर करता है ये सारे के सारे देश मिलकर के। ओवर 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, जो विश्व का व्यापार होता है ना, एक देश का दूसरे देश के जो बीच में व्यापार होता है, ग्लोबल ट्रेड, तो 75% ग्लोबल ट्रेड देखते हैं ये। एंड अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और पूरे विश्व की जनसंख्या का 1/3 जनसंख्या इन्हीं 20 जगहों पर है, इन्हीं 20 जगहों पर है। तो ये इनका क्या है, पार्टिसिपेशन है G20 का। इंडिया इज करेंटली पार्ट ऑफ G20 ट्रॉइका, याद रखिएगा भारत जो है वो G20 ट्रॉइका का भी हिस्सा है। ट्रॉइका यानी कि तीन है यहां पर, करंट, प्रीवियस एंड इनकमिंग G20 प्रेसिडेंसीज, ठीक है। तो करंट अभी, प्रीवियस यानी कि पिछली, और अगली, इसका क्या है, G20 का हिस्सा है, कंसिस्टिंग इंडोनेशिया, इटली एंड इंडिया। ये तीन देश हैं यहां पर, इंडोनेशिया, इटली और इंडिया, जिनको G20 ट्रॉइका के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका भी भारत हिस्सा है, यह बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसकी जो अभी हाल ही में सबमिट्स हुई हैं, सारी अब तक जितनी सबमिट हो गई हैं, वो मैंने एक ही सेशन में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और वो भी डेट वाइज है, सारी की सारी डेट वाइज है, देख लीजिएगा। पहला है स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग, स्टार्टअप 20, ठीक है, यानी कि सभी स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप्स में ही आते हैं, याद रखिएगा, डेकाकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न। तो इस तरीके से 1 बिलियन को यूनिकॉर्न बोलते हैं, अगर कोई कंपनी 1 बिलियन का वैल्यूएशन हासिल कर लेती है तो उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं, 10 बिलियन का हासिल कर लेती है तो डेकाकॉर्न बोलते हैं। तो भारत में भी यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न डे बाई डे क्या है, बढ़ रहे हैं। तो स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग हैदराबाद में 28-29 जनवरी 2023 को आयोजित हुई। देन फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये चंडीगढ़ में आयोजित हुई है 30-31 जनवरी 2023 को। देन इंडियाज फर्स्ट मॉडल G20 समिट इनॉग्रेटेड बाई, ये मॉडल G20 समिट है, इनॉग्रेट करी गई थी शेरपा। एक बात और याद रखिएगा, भारत में इस समय G20 के जो शेरपा हैं वो है मिस्टर अमिताभ कांत। शेरपा कौन है, अमिताभ कांत हैं। सारी की सारी जो ये काम हो रहे हैं, योजनाएं देखने का काम करेंगे, तो ये शेरपा हैं अमिताभ कांत, इनके द्वारा इनॉग्रेट करी गई थी, ठीक है, 30 जनवरी 2023 को। देन फर्स्ट मीटिंग ऑफ द एजुकेशन वर्किंग ग्रुप, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग आयोजित हुई, कहां पर, IIT मद्रास में, 1 और 2 फरवरी 2023 को। देन एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये जोधपुर में 2-4 फरवरी 2023 को आयोजित हुई है। फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बेंगलुरु में 5-7 फरवरी 2023 को। देन फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूथ 20 Y20 ग्रुप मीटिंग, ये गुवाहाटी में 6-8 फरवरी 2023 को। देन फर्स्ट G20 इन्वायरमेंट मीटिंग, ये बेंगलुरु में आयोजित हुई है, ठीक है, 9-11 फरवरी 2023 को। देन इंसेप्शन मीटिंग ऑफ G20 इंपावर ग्रुप ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये आगरा में आयोजित हुई 11-12 फरवरी 2023 को। देन डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये लखनऊ में आयोजित हुई है 13 फरवरी को। देन फर्स्ट एग्रीकल्चर डिप्टीज मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, ये इंदौर में आयोजित हुई 14 फरवरी को। देन G20 ग्लोबल टेक समिट, ये विशाखापट्टनम के बारे में याद रखिएगा, विशाखापट्टनम इज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित किया गया इसे, 16-17 फरवरी 2023 में आयोजित हुई। देन फर्स्ट G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में 22-25 फरवरी 2023।
देन फर्स्ट मीटिंग ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, जो मैंने आपको बताया था ना अभी, 24-25 फरवरी को कहां पर, बेंगलुरु में आयोजित की गई है। तो ये अभी तक की सारी समिट्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो G20 के बारे में अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सभी मैंने यहां पर आपको बता दिया है।